गाइस आप लोग देख सकते हो आसमान में काफ़ी अच्छे तरीके से चांद देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी अनाउंस कर दिया गया है कि क्या जुमा के दिन यहाँ पे ईद रहेगी कि नहीं रहेगी। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, यानी कि एक ताज़ी खबर आ रही है। तो आसमान पूरी तरीके से साफ है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर 29 रोजा भी हो चुका है। बहुत से भाई लोग ये डाउट में है कि क्या जुमा के दिन सऊदी में, कुवैत में, दुबई में, ओमान में क्या यहाँ पर ईद रहेगी कि नहीं रहेगी, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। गैस आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे चाँद देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो चाँद पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, यानी कि जुमा के दिन ईद है। गैस अगर आप लोग कुवैत में हो तो आप लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली, यानी कि जुमा के दिन ईद है तो ईद है। और यहाँ पर 29 रमजान ख़त्म होते ही चाँद देखने को मिल गया है, और यहाँ पर 29 रमजान तक रोज़ा रखने का जो अनाउंस किया गया था, यानी कि 29 रोज़ा तक यहाँ पर हमारे भाई लोग रोज़ा थे। और हमारे इंडिया में क्या है अभी देखते हैं, शनिवार के दिन ईद होती है कि नहीं होती है, तो बहरहाल उसका टॉपिक अलग है। तो बस मेरे पास अपडेट आ रही थी कि भाई क्या कुवैत में ईद है कि नहीं है। फाइनली देख सकते हो कुवैत में और ईद है, और आसमान पूरी तरीके से साफ ही है, चाँद देखने को मिल गया है। कुवैत में, सऊदी में, हर कंट्री में ईद है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आज चाँद रात है, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, आसमान भी पूरी तरीके से क्लियर है। गैस आप लोग को वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं कल।